सपने देखना व्यर्थ है अगर आप उन्हें पूरा ना कर सको। दोस्तों ऐसा कहना था दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी हीरो के फाउंडर बृजमोहन लाल मुंजाल का, जिन्होंने अपने मेहनत और संघर्ष के दम पर विश्व की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बना डाली। हालांकि बृजमोहन लाल मुंजाल का ये सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्होंने साइकिल रिपेयरिंग और उसके स्पेयर पार्ट बेचने से अपना बिजनेस शुरू किया था। तो चलिए दोस्तों बृजमोहन लाल मुंजाल के सफर को हम शुरू से जानते हैं कि कैसे एक साइकिल रिपेयरिंग के दुकान से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड बना डाली। बृजमोहन का जन्म आज से करीब 97 साल पहले 1 जुलाई 1923 को गुलाम भारत में पंजाब के कमालिया में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम बहादुर चांद मुंजाल और माँ का नाम ठाकुर देवी मुंजाल था। माता पिता के अलावे 4 भाइयों में बृजमोहन सबसे बड़े थे। उनसे छोटे उनके 3 भाई ओम प्रकाश, सत्यानंद और दयानंद मुंजाल थे। अगर हम बात करें उनके पढ़ाई की तो उन्होंने अपनी पढ़ाई गांव के गुरुकुल से ही की, और ये वो दौर था जब आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जहां बृजमोहन अपने परिवार के साथ पाकिस्तान के कमालिया से भारत के अमृतसर आ गए। उन दिनों देश में इतनी गरीबी थी कि लोग गाड़ियों की जगह साइकिल पर चढ़ना ज़्यादा पसंद करते थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए बृजमोहन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर साइकिल रिपेयरिंग और उसके स्पेयर पार्ट्स बेचने का छोटा सा दुकान खोला, जो धीरे धीरे ठीक ठाक चलने लगा। दुकान के तरक्की को देखते हुए उन्होंने खुद का साइकिल बनाने का फैसला किया और वर्ष 1954 में उन्होंने हीरो साइकिल लिमिटेड की स्थापना की, जिसके 2 साल बाद पंजाब सरकार ने साइकिल बनाने का लाइसेंस जारी किया, जो मुंजाल के कंपनी को मिल गई। और देखते ही देखते हीरो की साइकिल देश भर में बेचा जाने लगा और लोगों ने भी इसे खूब पसंद किया, जिसकी वजह से साल 1975 में हीरो देश की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई, जिसके बाद मुंजाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और साल 1986 में हीरो साइकिल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और हीरो न केवल देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी बनी। साइकिल की दुनिया में परचम लहराने के बाद अब वो दौर आ चुका था जहां लोग धीरे धीरे मोटरसाइकिल की ओर बढ़ने लगे थे, जिसको देखते हुए हीरो साइकिल ने मोटरसाइकिल की दुनिया में कदम रखा, जिसे हीरो मैजेस्टिक के नाम से जाना जाता था। जहां शुरुआती दिनों में कंपनी मैजेस्टिक स्कूटर और मोपेड बनाती थी, और साल 1994 में जापान की दिग्गज मोटरसाइकिल कंपनी होंडा ने भारत में कदम रखा और हीरो कंपनी के साथ मिल गई। इसके बाद कंपनी ने 13 अप्रैल 1985 को अपना पहला गाड़ी हीरो होंडा CD100 के नाम से लॉन्च किया, जो कि खूब सफल रहा। और इसके बाद कंपनी ने एक के बाद एक कई मोटरसाइकिल बनाई, जिसमें हीरो होंडा सिल्क, हीरो होंडा पैशन प्लस और स्प्लेंडर प्लस जैसी कई गाड़ियां शामिल थी, जिसके दमदार इंजन और अच्छी माइलेज के कारण लोगों ने भी इसे खूब पसंद किया। साल 2002 तक कंपनी ने करीब 86 लाख से भी ज्यादा मोटरसाइकिल बेच दी थी। इस दौरान प्लांट में हर रोज 16,000 से भी ज्यादा मोटरसाइकिलों का निर्माण होता था, और तकरीबन 27 साल तक सफलता के साथ काम करने के बाद साल 2011 में कंपनी के मालिकों के विचारों में असमानता होने के कारण हीरो और होंडा अलग हो गई, जिसके बाद हीरो मैजेस्टिक नाम को बदलकर हीरो मोटोकॉर्प कर दिया गया। इसके बाद कंपनी ने अपना पहला मोटरसाइकिल हीरो इम्पल्स को लॉन्च किया और धीरे धीरे कंपनी दुनिया भर में अपनी मोटरसाइकिल बेचने लगी। दोस्तों बृजमोहन लाल मुंजाल का ये जोश और जुनून ही था जो साइकिल स्पेयर पार्ट बेचने से लेकर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बना डाली। व्यापारिक क्षेत्र में भारत को आगे लाने के लिए उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, और फिर 1 नवंबर 2015 को उन्होंने 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं, और आगे आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।